और अब बात टीवी स्टार करण वीर बोहरा की मुंबई में वोटिंग को लेकर नाराजगी की। जी हाँ, करण पहुँचे थे फैमिली संग अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने, लेकिन वहाँ पहुँचकर करण वीर को पता चला कि वोटिंग लिस्ट में उनके पेरेंट्स का नाम तो है, लेकिन उनका खुद का नाम वोटिंग लिस्ट से है गायब। जिसके बाद करण को आया गुस्सा और उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर अपनी नाराजगी दिखाई अपना वीडियो पोस्ट कर। लेकिन बाद में करण वीर के पापा ने दी जानकारी कि उनका नाम पोलिंग बूथ के अंदर वाली लिस्ट में है, जिसके बाद करण ने पूरी की अपनी जिम्मेदारी अपना वोट डालकर। और इस पूरे मामले पर जूम ने करण वीर से एक्सक्लूसिव की बात, तो क्या कहना था करण वीर का, आप भी सुनिए। मतलब आई थिंक कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे साथ ही होती है रियली मतलब मैं वहाँ पहुँचा इतनी एकदम वो जोश के साथ, और मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया कि यू नो वोट, और मैं ट्वीट भी करता रहता हूँ वोट करो यू नो यू हैव द राइट टू चूज। यहाँ पर आके देखता हूँ पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, मेरा नाम है ही नहीं। पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई, बोले कि नहीं वो हो जाता है ऐसे ये मतलब, और अंदर बोले कि गवर्नमेंट का सिस्टम है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल यू नो, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लकी सो आई जस्ट आई वेंट इन टू कॉल डैड, और पापा बोले अरे अरे इधर 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 नाम इधर है। अंदर नाम था बाहर नाम नहीं है, इट वॉज अनबिलीवेबल। तो अंदर पापा भी एक्साइटेड, मैं भी एक्साइटेड कि नाम में वोट करने आएंगे। वहाँ पर एक लेडी बोलते ये क्या चल रहा है यहाँ पे फैमिली गैदरिंग। हाँ ऐसे तो वहाँ पर, हाँ तो वहाँ पर थोड़ी मुठभेड़ हो गई मतलब शब्दों की, कि ये क्या बात हुई यार। एक तो अच्छा है कि नाम मिल गया है तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो होगी। हाँ तो बोला एक्सक्यूज मी सो व्हाट यू नो क्या गुड फॉर यू, आई से या वेरी गुड फॉर मी, वेरी गुड फॉर एवरीबडी यार, आई गॉट अ चांस टू वोट। तो ये मतलब इट वॉज आई थिंक चुपचाप वोट करके चले जाते तो मजा नहीं आता। ये थोड़ी टेलीस्कोप में अब बात सीरियल बालिका वधु फेम नेहा मर्दा और स्मिता बंसल की। जी हाँ, सीरियल बालिका वधु के इन पॉपुलर किरदारों को जूम के कैमरा ने लंबे समय बाद किया कैद एक साथ उनके मेकअप रूम में। जूम से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान दोनों ने शेयर की अपनी ओल्ड मेमोरी। यस, जब हम भी ऐसे साथ में काम करते हैं तो हमको बालिका वधु ही याद आ जाता है, बिकॉज आई थिंक एवर आफ्टर दैट शो, उसके बाद हमने कोई शो साथ में नहीं किया, बट वी कीप डूइंग इवेंट्स टुगेदर एंड ऑल दैट, बट वेन एवर वी आर टुगेदर वी ऑल्सो फील दैट यू नो वी आर बैक ऑन सेट्स एंड वर्किंग टुगेदर, शेयरिंग द मेकअप रूम, लाफिंग एंड एवरीथिंग, सो या दैट रिमाइंड्स बैक। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों ने 7 साल साथ में काम किया है बालिका वधु में, तो इट्स लाइक अ फैमिली नेहा और मैं जब भी साथ में काम करते हैं तो इट्स ऑलवेज फन। ऐसा लगता ही नहीं है कि काम हो रहा है, बिकॉज द ट्यूनिंग इज़ सो गुड, द कनेक्शन इज़ सो गुड कि मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, सो इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद ईच अदर।